तो अगर आपको मैजिक या कार्ड मैजिक के बारे में बहुत कम पता है या बिल्कुल भी नहीं पता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। इसमें मैं एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा ईजी है और सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप कार्ड ट्रिक सीखना चाहते हैं तो ये एकदम परफेक्ट ट्रिक है। तो ये रही उसकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ मेरे को सिर्फ 6 कार्ड्स चाहिए, जो है 3 रेड कार्ड्स और जो है तीन और 3 ब्लैक कार्ड्स। अब जो रेड है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है और ब्लैक ऑयल को। तो इन्हें आपस में मिक्स करेंगे, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। और आपको पता है जब हम ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो सेपरेट करते हैं। और ये भी सेपरेट कर गए। अब ये बहुत अच्छा था, पर हम इसको और मुश्किल कर सकते हैं अगर हम एक कार्ड और ऐड करें। अब ये और मुश्किल हो गया क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास हैं 4 रेड कार्ड्स और 4 ब्लैक कार्ड। अब सेम चीज़ जो दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ मैं ऐड करूँगा ना रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। अब देखते हैं अगर हमने ये ठीक से किया होगा तो मुझे लगता है कि ये दोबारा, अगर हमने इन्हें ठीक से किया होगा तो ये दोबारा सेपरेट कर गए होंगे ब्लैक और रेड को। तो गाइज आई होप आपका परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो, और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ये ट्रिक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ये ट्रिक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी 3 ब्लैक कार्ड चाहिए, और ये मैटर नहीं करता वो क्या है, और कोई भी 3 रेड कार्ड, और ये भी मैटर नहीं करता कि कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है। अब आपने इन 6 कार्ड्स को लेना है और ऐसे रख देना है इस पोजिशन। अब आप ये कार्ड्स अपने स्पेक्टेटर को दिखाएंगे, और उसके लिए आप उन्हें ऐसे स्प्रेड करके, ऐसे करके उन्हें दिखाएंगे इन कार्ड्स को। तो जब आप इन्हें स्प्रेड करेंगे तो ये ऐसे होंगे, और इन्हें ऐसे करके दिखाना है। और जब आप इन्हें ऐसे करके दिखा रहे होंगे इनके इसमें एक सेपरेशन होगा, और आपका जो थंब है, जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब है, वो यहाँ पे इस लास्ट कार्ड को, लास्ट रेड कार्ड को कॉन्टैक्ट कर रहा होगा, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो जो फर्स्ट ब्लैक कार्ड है उससे कॉन्टैक्ट कर रहा होगा। और अब मूव यहाँ पे क्या होगी कि आपने थंब से इस कार्ड को ऐसे करेंगे और जो स्प्लिट हो जाएंगे। बस यही एक ही मूव है जो पूरी ट्रिक में, जिससे पूरी ट्रिक काम करती है। तो आप ऐसे स्प्रेड करेंगे, और ये बहुत नेचुरल है, इसमें कुछ स्लाइट ऑफ हैंड भी नहीं है, ये बहुत नेचुरली अगर आप करेंगे तो ये बहुत बहुत ईजीली हो सकता है। ये ऐसे हैं, आप इन्हें ऐसे करके दिखाएंगे, और जब स्प्रेड करेंगे तो आपका थंब ये लास्ट रेड कार्ड पे होगा, ऐसे यहाँ कॉन्टैक्ट कर रहा होगा, और आपकी फिंगर्स जो हैं वो फर्स्ट ब्लैक कार्ड पे होंगी। और जब आप ऐसे दिखा रहे होंगे और आप अपने स्पेक्टेटर के आई लेवल पे जाएंगे, और वहाँ से इन्हें नीचे लाएंगे, और उस मोशन में आप इन्हें स्विच कर लेंगे। अब आप इन्हें मिक्स करना शुरू करेंगे। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप रेड से शुरू करें मिक्स करना, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आप रेड से शुरू करेंगे, और आपने जो पहला है उन्हें दिखाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही करना है रेड ब्लैक। अब जो बीच वाले उन्हें आप दिखा सकते हैं रेड ब्लैक, उसके बाद इन सबको कर देना है। अब यहाँ पे ये पहले ही सेपरेट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे आप बहुत इजीली दिखा सकते हैं बिना किसी स्लाइट ऑफ हैंड के कि ये सेपरेट हो गए हैं। ये अपने स्पेक्टेटर से भी करवा सकते हैं। अब ये और मुश्किल करने के लिए यहाँ पे हम एक एक कार्ड और ऐड कर लेंगे, इसमें एक रेड कार्ड, एक रेड और एक ब्लैक कार्ड अब और ऐड हो गया है। तो आप बेसिकली सेम चीज़ करेंगे बस 2 बार। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब दोबारा उन्हें इसी सेम पोजीशन में रखेंगे। अब एक ट्विस्ट यहाँ पे होगा कि आपने सेम मूव करनी है, जैसे पहले आप थर्ड कार्ड पे आपका थंब था, इस बार वो फोर्थ पे होएगा, और जो पहले थर्ड पे था वो इस पे होएगा। मतलब पहले जो थंब था वो इस कार्ड पे था थर्ड पे, अब थंब फोर्थ कार्ड पे होगा, और ऐसे ही फिंगर भी यहाँ होएगी। बस आपने एक एक कार्ड इंक्रीज करना है ये मूव करते हुए। तो ऐसे होना चाहिए आपका थंब जो होगा लास्ट रेड कार्ड पे, की फिंगर्स फर्स्ट ब्लैक कार्ड पे। आप इन्हें रेस करेंगे उनके आई लेवल पे लाके, ऐसे कर देंगे। अब आप इन्हें मिक्स करना शुरू करेंगे। अब आपने पहला नहीं दिखाना है, पहला आप ऐसे ही करेंगे, दूसरा आप दिखा सकते हैं, ये भी आप दिखा सकते हैं, और लास्ट आप ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे बहुत अच्छा होगा कि अगर आप दिखाएं आप सेपरेट हो गए हो, पर अभी एक करेक्शन यहाँ पे रह गया है। तो जब आप इन कार्ड्स को अपने आप को दिखेंगे चेक करने के लिए कि ये सेपरेट हुए हैं कि नहीं, आपने वो सेम मूव दोबारा करना, बस फेस अप। तो आप दोबारा वो सेम मूव करेंगे ताकि ये कार्ड्स, इनका ऑर्डर स्विच हो जाए और ये दोबारा सेपरेट हो जाए। अभी ये ऐसे होएंगे, तो आप जब अपने आप को कार्ड्स देखेंगे तो आप ऐसे स्प्रेड करेंगे, और आपका थंब इस पे होगा जो ब्लैक कार्ड है, और आपकी फिंगर्स रेड पे।
अपने स्पेक्टेटर के आई लेवल पे लाएंगे और स्प्लिट कर देंगे, अब अभी अलग हो चुके हैं। तो गाइज आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, तो आप इस ट्रिक का जरूर परफॉर्म करना, ये कैसी गई आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके अगली वीडियो में मिलते हैं।